यूपी सरकार का दावा अपराधियों का हो गया है खात्मा, तो फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के टोल प्लाजा पर सोने का जखीरा आया कहां से? सरकारी दावों की खुली पोल और फट गया अपराध के खात्मे का ढोल। एक साथ इतना सोना, आपकी सात पीढ़ियां हो जाएंगी अमीर। अधिकारी भी बरामदगी के बाद सन्न दिखे। सोने के साथ गिरफ्तार आरोपी के कबूलनामे ने सबको चौंकाया। सोना देखिए आरोपी कहां से लेकर आया, अगर थोड़ी हो जाती देर तो काम हो जाता तमाम। उत्तर प्रदेश में रामराज का दावा किया जाता है, कि अपराधियों का खात्मा हो गया है, लेकिन तब सनसनी का माहौल बन गया जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भारी संख्या में करोड़ों के सोने का जखीरा बरामद किया गया। प्रशासन भी ये देखकर भौचक्का रह गया कि इतना सोना आखिर आया कहां से। पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर से जब पूछताछ की और जो खुलासा हुआ उसने तो सबकी नींद ही उड़ा दी। किसी को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। आगरा एक्सप्रेस वे के टोल प्लाजा पर 11 किलो गोल्ड ले जाते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। DRI की टीम ने मुखबिर की सूचना पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के पहले टोल प्लाजा पर यह कार्रवाई की है। पकड़े गए आरोपी के पास से बरामद गोल्ड की कीमत 8.09 करोड़ रुपए बताई जा रही है। RI की टीम ने गुरुवार शुक्रवार की रात 12:30 बजे गिरफ्तारी की है। तस्कर सोहन गोयल दिल्ली के करोल बाग का रहने वाला है, उसके पास से बरामद गोल्ड दुबई मेड है। DRI की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लखनऊ की कस्टम कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। आरोपी के पास से लखनऊ के नंबर की महिंद्रा XUV भी बरामद हुई है। RI अधिकारी के अनुसार लखनऊ में शक होने पर वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें दुबई से लाया गया विदेशी मूल का 10 किलो गोल्ड और 1 किलो सोने के आभूषण बरामद हुए हैं, जिनकी कुल कीमत 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। पकड़ा गया ड्राइवर, जिसकी पहचान सोहन गोयल के रूप में हुई है, गोल्ड के लिए कोई कागजात नहीं पेश कर पाया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों ने खुलासा किया कि गोल्ड वाहन की सीट के नीचे एक डिब्बे में छुपाया गया था। DRI सूत्रों ने आगे बताया कि सोहन का इरादा लखनऊ के तेलीबाग इलाके में वृंदावन ज्वेलर्स को सोना पहुंचाने का था। हालांकि टीम के पहुंचने पर दुकान मालिक भाग गए थे। DRI आरोपी सोहन गोयल को पुलिस कस्टडी डिमांड पर लेगी। DRI की टीम रिमांड के दौरान पूछताछ करेगी आखिर 11 किलो सोना आया कहां से, इसमें और कितने लोग शामिल हैं। तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हर रोज आते इस तरीके के मामलों ने पुलिस को सक्रिय कर दिया है। पुलिस की सक्रियता का ही कारनामा है कि इस जखीरे को बरामद किया गया, इसीलिए पुलिस की जमकर तारीफ हो रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस इसी तरीके से सक्रियता से अगर हर मामले में काम करे तो अपराध का खात्मा हो जाएगा, लेकिन कई मामलों में पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिलती है। आरोपी सोहन गोयल से लगातार पूछताछ की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि पूछताछ में इनके सिंडिकेट का खुलासा होगा और पता चलेगा कि इनके गैंग में और कौन लोग शामिल हैं। सोहन गोयल से पूछताछ में अब तक जो जानकारी मिली है उसके आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। सोने को जब्त कर लिया गया है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही और भी गिरफ्तारियों को अंजाम दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।